Can i flat, not i to that's lame. Lame. I choose this man now for fame. Oh god! God damn it. We use our E, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. the flash, shit हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन और आप सब कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गे. और एक्चुअली कल व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं जो है व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई थी तो इसीलिए मैंने कल कोई व्लॉग ही नहीं डाला ठीक है तो जो मतलब एक दिन एक व्लॉग मतलब लेट व्लॉग आएगा ठीक है यानी कल वाला व्लॉग मैं आज डाल रही हूँ और आज वाला कल डालूँगी ठीक है तो आज एक्चुअली मॉर्निंग और फिर मैंने आज स्टार्ट करी एक्सरसाइज क्योंकि मैं सोची थी ना वेट कम करना है मेरे को और एक्सरसाइज से चाहे कम हो या ना हो मेरे को हाँ लेकिन अंदर से हेल्दी फील होता है और थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होने लगता है फ्रेश फ्रेश और एनर्जी आ जाती है ठीक है तो वैसे मैंने जब जब मैं पहले करती थी लॉकडाउन से मैंने बंद किया हुआ था एक्सरसाइज और अभी बीच बीच में कभी कर ली कभी छोड़ दी तो वही था लेकिन हाँ पहले रेगुलर कर कर रही थी लॉकडाउन से पहले तो एकदम फिट थी मैं और अभी टमी भी काफ़ी निकल आया है मेरे को तो लगता है कि हाँ निकल आया है तो बस मैंने फिर से वही एक्सरसाइज स्टार्ट करी है कि मेरे को बस कैसे भी वेट कम करना है मतलब ज़्यादा नहीं फा फाइव से टेन के जी मतलब बीच में ही कम करना है ठीक है बहुत ज़्यादा भी कम नहीं करना है क्योंकि फिर इन वेट कम होता है ना तो फेस पे ही आता है सबसे पहले जो भी है इफ़ेक्ट उसका तो इसीलिए तो आज से मैंने कम किया है ऑयल खाना और मतलब ऑयली खाना ऑयल को कम कर रही हूँ और चीनी भी कम कर रही हूँ तो कोशिश करूँगी बॉयल खाना ही खाऊँ तो आज से ही मैं इस्टार्ट करी क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और इसीलिए भी थोड़ा सा मेरे लिए ए, मुश्किल होता है तो जिम मैं नहीं जाती हूँ मैं घर पे ही जो भी करना होता है करती हूँ एक्सरसाइज मतलब पहले से ही करती आ रही हूँ एक्चुअली अभी जाते थे जिम तो अभी के जाने के बाद मेरा ये रहता था रूटीन कि अभी के बाद मेरे को करना है मतलब वो जिम में करेंगे मैं मैं घर पे किया करती थी तो एकदम मैं फिट थी और जब लॉकडाउन हुआ तो क्या था लॉकडाउन के बाद अभी घर पे ही रहते थे तो अभी भी जिम नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा चल यार मैं भी नहीं करती हूँ तो बस इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया था एक्सरसाइज करना तो अभी हाँ मन बनाया कि नहीं जी प्रॉपर मेरे को वापस से एक्सरसाइज करनी है तो हाँ एक और बात गाइज मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ ठीक है अगर कोई मिस्टेक भी हो मैं प्रॉपर ट्रेनर नहीं हूँ मैंने यूट्यूब से ही देख के और मैं एक्सरसाइज करती हूँ करती आ रही हूँ पहले से तो इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को बोल देती हूँ आप लोग कोई मिस्टेक्स निकालो कुछ भी तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ मैं ऐसे ही यूट्यूब से फॉलो करती आ रही हूँ और मैं जो है एक्सरसाइज करती हूँ तो कई दिन बाद कर रही थी तो बहुत ज़्यादा नहीं एक्सरसाइज आज कर पाई और अब चलते हैं मैं जा रही हूँ आज पनीर बनाना है मेरे को तो ये मैंने दही जो है जमाया था मतलब आधा लीटर दूध और इसमें मैंने डाला था आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ठीक है और दो दिन तक इसको मैंने ढक के रख ही रहने दिया था कि ज़्यादा खट्टा हो जाए इसका पानी ठीक है और जो जमाया था तो इसमें मैंने चार चम्मच दही डाल के इसको जमाया था तो जिससे कि खट्टा हो जाए और प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से दही जो है वो सॉरी पनीर बने इसका तो आज मैं दही से ही पनीर बनाने वाली हूँ तो इस क्या होगा ना इस दही का पानी अलग हो जाएगा और जो दही है वो ऊपर रह जाएगा ठीक है तो आज हम उस पानी से पनीर बनाने वाले हैं तो जो हलवाई यूज़ करते हैं ट्रिक आज हम हलवाई वाली ट्रिक यूज़ करने वाले हैं पनीर बनाने के लिए तो अभी मैं तब तक वो दही का पानी निकल रहा है और मैं अपना काम और ख़त्म कर लेती हूँ तो दूध गर्म होने रख दिया है और अभी मैं बनाऊँगी लंच तो लंच में मैं अपने लिए एक्चुअली अपने लिए ही बनाना है बस क्योंकि अभी तो घर पर कर लिया होगा और मैं अपने लिए आज बनाऊँगी मूँग दाल तो देखो इसका पानी एकदम दही का निकल गया है और नीचे देखो पानी है और दही दही ऊपर रह गई आप इस दही को चाहो तो इससे कड़ी में यूज़ कर सकते हो इस वाली दही को जो ऊपर रह गई है ठीक है फेंकने की बजाय आप यूज़ कर लें मैंने तो कड़ी में ही यूज़ किया इस दही को नेक्स्ट डे और इसको मैं अलग निकाल लेती हूँ दही को और पानी को अलग कर लेती हूँ जिससे कि मैं इसको बना सकूँ मतलब पनीर निकाल सकूँ तो अभी एक्चुअली अब लंच में मैं क्योंकि मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करी है तो वापस से मैं खाना भी वही यूज़ खाने वाली हूँ तो आज मैं सिंपल ही मूंग दाल खाऊंगी क्योंकि मूंग दाल में काफ़ी प्रोटीन होता है तो मैं आज मूंग दाल लूँगी वो भी खाली बॉयल उसमें कोई तड़का नहीं कुछ नहीं और हाँ स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पसंद आती थी बट अब अच्छी लगने लगी है क्योंकि खाते रहो ना तो वही खाना अच्छा लगने लगता है आपके नेचर में आ जाता है वही तो ये मैं जो पानी निकाला था उसको एक अलग कर लेती हूँ मैं एक उसमें अलग भगोने में जिससे कि मैं उसको गर्म करूँ क्योंकि जो पानी है ना जो यूज़ करना है पनीर बनाने के लिए तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है तो उसको मैं रख देती हूँ गर्म होने के लिए पानी को और थोड़ा सा भी मेरे को और भी दही जमाना था मतलब कि खाने के लिए क्योंकि उस वाले जो दही जमाया था पानी अलग कर लिया तो वो अजीब मतलब प्रॉपर दही सा नहीं है तो उसका तो मैं कड़ी बना लूँगी कड़ी में यूज़ कर लूँगी उस दही को और अभी जो खाने के लिए रेगुलर उसके लिए मैं अलग दही जमा दे रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ ना ताज़ा ताज़ा रोज़ाना ही जमाती हूँ तो जिससे कि वो ना खट्टी नहीं होती है ताज़ा दही ना खट्टी भी नहीं होती है और टेस्टी लगती है तो उसके लिए अलग दही जमा रही हूँ मैं मतलब रेगुलर यूज़ के लिए और उसका भी पानी गर्म करने रख दिया तो अभी जा रही हूँ मैं अपने लिए दाल बनाने के लिए मूँग दाल तो आज मैं लंच में बस मूँग दाल ही करूँगी खाने वाली हूँ तो मूंग दाल बनाने रख रही हूँ मैं तो मैंने मूंग दाल में बस कुछ भी नहीं डाला है मैं खाली नमक और हल्दी डाल रही हूँ हल्दी कलर के लिए और नमक टेस्ट के लिए और मैंने मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डाला है दाल में तो बस दाल रख दी है मैंने बनने के लिए हाँ स्टार्टिंग में तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती थी ये वाली दाल क्योंकि अभी खाया करते थे तो अभी के लिए बनाती थी तो मैं थोड़ी सी अपने लिए ले लिया करती थी उसी में से तो हाँ अब खाते खाते ना वो आदत हो गई है तो अब मेरे को पसंद आने लगी है तो मैंने रख दी दही बनाने के लिए और ये मैं दूध उबलने के लिए रख दे रही हूँ पनीर के लिए तो फाइनली दूध जो उबल गया है और अब इसको कर देती हूँ मैं बंद गैस को और इसको हम दस मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो टेन परसेंट कम हो जाए मतलब पाँच अभी तो ठंडी है तो पाँच मिनट में ही हो जाएगा तो पाँच मिनट के लिए मैंने इसको दूध को ऐसे ही छोड़ दिया था और अब इस चलते हैं इसको फाड़ने के लिए तो जो मैंने पानी जो निकाला था दही का वो मैंने गर्म कर लिया है मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है कि उंगली डालो तो उंगली उसमें जले ना इतना गर्म हो पानी ठीक है और उसको इस फैलाते हुए डालना है क्योंकि एक जगह ही डाल दोगे तो क्या होगा कि पनीर एक ही जगह पे ज़्यादा फट जाएगा और वो फिर अच्छा नहीं बनेगा ठीक है तो ऐसे डालना है कि चारों तरफ ये जो पानी है वो डालें और जो दूध दूध है ये इसको एक ही साइड में चलाएँ मतलब पूरा ज़्यादा नहीं चलाना है इसको हल्का हल्का चलाएं और एक ही साइड में चलाएँ साइड बोले तो एक ही दिशा बोलेंगे हाँ एक ही दिशा में चलाएं इस तरीके से देखो जो हलवाई ट्रिक यूज करते हैं एक्चुअली मैंने एक हलवाई को बनाते हुए देखा तो मैंने उन्हीं की ट्रिक यूज करी है ये ठीक है तो इसी तरीके से आप इसको क्योंकि मैंने पहले भी पनीर बनाया है नींबू नींबू से और क्या होता है ना वो बनता अच्छा है पनीर की तरह ही बन जाता है लेकिन क्या होता है ना कि वो जैसे हम बनाते हैं ना सब्ज़ी तो उसकी जैसी सब्ज़ी ठंडी होगी ना तो पनीर ना एकदम टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइट तो खाने में भी वो अच्छा नहीं लगता है फिर तो ये वाली ट्रिक से आप भी बना सकते हैं तो एक, एक गिलास में पानी इसमें यूज़ कर चुकी हूँ दही वाला और ये दो लीटर दूध है ठीक है अगर आपका ये दही वाला पानी बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना हो अगर आपका खट्टा है तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिला लें एक्चुअली सर्दी का टाइम है तो इतना खट्टा भी नहीं हुआ मेरा मेरा मतलब नॉर्मल खट्टा है तो इसी तरीके से मैं डालती जाऊंगा और देखो फटने लगा है दूध ये देखो तो फाइनली दूध फट चुका है और ये देखो इस तरीके से ना ज़्यादा चलाते हैं ना तो क्या होता है ना अलग अलग हो जाता है जो पनीर है और ये देखो एकदम बंधा हुआ पनीर बन के निकला है बहुत अच्छा देखो एकदम मतलब अलग अलग नहीं है सारा जुड़ा हुआ पनीर निकला है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है इसको बस यही एक रीज़न है इसका ठीक है और अब इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ पनीर को और फिर एक कपड़ा मैंने छन्नी पे रखा है और इसके नीचे एक बर्तन रख दिया है जो पानी निकलेगा और मैं इस कपड़े में निकाल लेती हूँ तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं मैंने इस तरीके के दुपट्टा दुपट्टे को अपने को एक दुपट्टे को फाड़ के बनाया हुआ है तो मैं हमेशा इसी में इसी का यूज़ करती हूँ मार्केट में भी आता है वैसे पनीर ये जो कपड़ा आता है एक अब वो भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने अपना कॉटन का दुपट्टा को बना रखा है जिससे मैं हमेशा पनीर इसी में निकाल लेती हूँ तो बस इसी तरीके से इसका पानी निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा पानी निकला है अगर आपको दोबारा पनीर बनाएं जैसे आठ दस दिन में तो इसको फ्रिज में रख दें और फिर इसको ही यूज़ कर सकते हैं बट मैंने तो इसको फेंक दिया क्योंकि मैं अभी नहीं बनाना जब बनाऊंगी तो मैं दोबारा दही का निकाल लूँगी तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इस पर मैंने उतना ही पानी रख के और एक भारी भगोना मतलब रख दिया है तो इसको एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी बस और फिर उसके बाद ठंडे पानी में मैं डाल के रख दूंगी पनीर को और ये बन गई मेरी दाल तो मैं जा रही हूँ अभी लंच करने के लिए तो फाइनली मेरा लंच बन के तैयार हो गया है और लंच में आज मैं करने वाली हूँ मूंग दाल खाली बॉयल्ड दाल है ये और दही ठीक है इसके साथ में दही लूंगी जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो ठीक है क्योंकि आज से करिए एक्सरसाइज स्टार्ट तो आज से खाना भी प्रॉपर अच्छा खाना है मतलब अच्छा और हेल्दी खाना खाना है तो बस ओनली बॉइल्ड दाल है ये इसमें मैंने कोई तड़का वड़का नहीं दिया है ठीक है और इसके इसको दही के साथ में मेरे को पसंद आने लगी है मतलब स्टार्टिंग में जब खाती थी तो नहीं पसंद आती थी हाँ बट अब अच्छी लगने लगी है अब थोड़ा सा काफी टाइम से खा रही थी तो आदत हो गई है और जब से मैंने ये बॉयल्ड दाल लंच में लेना बंद करी है ना तब से मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया है ठीक है तो और ये इसके साथ में मैं दही लेने वाली हूँ तो बाय मैं इसको खाती हूँ तो मैं इसको कैसे खाती हूँ मैं दिखाती हूँ इजी हो जाता है थोड़ा सा एक सेकेंड ठीक है इसको मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ और देन इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और दही भी अच्छी लगने लगती है मतलब दही के साथ में दाल अच्छी लगने लगती है क्योंकि इसमें कोई तड़का वड़का नहीं है ना इसीलिए टेस्ट अच्छा लगता है ऐसे खाने से आप लोग भी ट्राई करना अगर वेट कम करना चाह रहे हैं और बॉइल्ड खाना खाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब हम मसाले वाला खाना खाने लगते हैं ना थोड़ा तीखा मसाले वाला तो हमें उसी की आदत हो जाती है और ये वाला ट्राई करना तो अच्छा लगेगा मेरे को अब पसंद आता है ये वाला खाना अगर मैं ज्यादा चटपटा टाइप जैसे ज्यादा लेने लगती ना जैसे बीच में मैं बॉइल्ड खाने पे आ गई थी प्रॉपर और फिर मैंने स्टार्ट किया था जैसे कभी मन किया था तो मैंने अभी से एक बार टिक्की मंगाई थी और मैं बॉइल्ड खाना खाती थी तो क्या हुआ ना जब मैंने वो टिक्की खाई ना तो मेरे को यहाँ जलन हो रही थी और स्टमक में भी मेरी जलन हो रही थी तो इसीलिए ये वाला खाना अच्छा होता है थोड़ा हेल्दी होता है मतलब टेस्ट में तो मैं नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ हेल्दी होता है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं ये हेल्दी खाना क्योंकि प्रॉपर फूड भी जाना चाहिए अगर हम अगर हम चाहें कि हम मोटापा कम करें और हम डाइट करने लगते हैं बहुत से लोग करते हैं मैंने भी कई बार ट्राई किया है पहले उससे क्या होती है वीकनेस आ जाती है पतले तो नहीं होते लेकिन आपको वीकनेस आ जाती है काम नहीं कर, करने को मन करता है तो उससे अच्छा है कि आप प्रॉपर खाना खाइए ठीक है जैसे ये है बॉइल्ड ठीक है तो एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूं तो आ, अभी तो इस टाइम मतलब दोपहर में अंडे खाते हैं वो बॉइल्ड एग खाते हैं और मैं अंडे नहीं खा सकती तो मैं ये दाल अभी भी ये दाल खाते हैं वैसे कभी कभी जैसे अंडे खाने का मन ना हो तो ये दाल भी खाते हैं वो या फिर सूप लेते हैं दोपहर में तो वही मैं भी खाती हूँ तो आज अभी ने तो अंडे खाए होंगे घर पे अब मैं खा रही हूं ये दाल तो मैंने बस अपने लिए बनाई थी ये क्योंकि आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करी है मैंने देखते हैं अब रिजल्ट क्या निकलता है इसका ठीक है और पनीर तो बनी रहा है बस उस पर वेट रख रख दिया है मैंने और निकालने के बाद उसको एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है मतलब उसी में रहने देंगे और फिर उसके बाद पानी में डाल देना उसको आधा एक घंटे के लिए बस आपका एकदम मार्केट जैसा पनीर बनके तैयार होगा मतलब मैंने जैसे ये रेसिपी जो है पनीर की ये एक जो मतलब बाहर मार्केट में जो बनाते हैं ना उनसे ली थी मैंने ठीक है उनकी रेसिपी है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ये वाली अच्छा बनता है एकदम मार्केट जैसा टाइट नहीं होता है जैसे घर पे जब हम पनीर बनाते हैं तो वो टाइट हो जाता है कुछ टाइम बाद बट ये वाला पनीर जो है अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो ये टाइट नहीं होगा ठीक है ट्राई करना अगर आप लोग के नहीं समझ में आई तो मैं फिर से पनीर बना के आप लोग को दिखा दूंगी ठीक है तो इसीलिए आप लोग पनीर जब भी बनाए इस तरीके से एक बार ट्राई जरूर करना और फिर मेरे को बताना रिजल्ट क्या रहा वैसे इससे मार्केट जैसा ही बनता है ठीक है और गाइज अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना तो बाय बाय फिर मिलेंगे कल वर्कआउट फिर से ठीक है बाय मैं खा लेती हूँ